हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक अच्छा वाला सीरम बताने जा रही हूँ, जिसको आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं, प्लस इसी सीरम को आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। जस्ट मैंने अभी सीरम ही अपने फेस पे लगाया और कुछ भी नहीं लगाया है, और मात्र लिपस्टिक लगा के आई हूँ और कुछ भी नहीं लगाई हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सीरम से बालों का जो टेक्स्चर है एकदम। इसको ये सीरम आप अपने बालों के रूट्स से लेकर के पूरी लेंथ तक लगा सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये आप सीरम आपके किस किन वर्कों में काम करता है, ये हमारे हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है, प्लस ये हमारे डैमेज हेयर को भी रोकता है कि हमारे बाल डैमेज ना हो, प्लस ये हमारे सन प्रोटेक्ट भी करता है कि धूप की वजह से, जैसे अब सर्दी का सीजन आ गया है, आप लोगों को पता ही है सर्दी में हम लोग धूप में ज्यादा निकलते हैं, गर्मी के कम्पेयर हम लोग सर्दी में धूप में ही बैठते हैं, इससे हमारी स्किन और हेयर दोनों ही टैन हो जाते हैं और स्किन और हेयर हमारे दोनों ही खराब होते हैं। इसलिए हमें सर्दियों में ही अपने स्किन और हेयर दोनों का केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारी स्किन भी डल हो जाएगी, ब्लैक होने लगती है, प्लस हमारे बाल भी डैमेज होने लगते हैं। इसलिए ये सीरम इतना अच्छा है कि आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो ये आपके बालों को भी प्रोटेक्ट करेगा, प्लस आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगा। ये आपके सनस्क्रीन जैसा ही काम करता है, सनस्क्रीन ही बोल दीजिए, जिससे आपकी स्किन भी टैन नहीं होगी, प्लस आपके बाल भी डैमेज नहीं होंगे। तो इसको बनाना भी बहुत इजी है, हमारे घर में सब चीजें अवेलेबल रहती हैं। और इसको बनाना कैसे है ये आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। उससे पहले आप जैसे कि जानते ही हैं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना है, जो कि रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करने के बाद आएगा ग्रे कलर का बटन बेल का बन के आएगा, उस पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने का मौका मिलेगा। जो वीडियो आपको पसंद आएगी उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना वेस्ट करते हुए इसके बारे में आपको बताती हूँ जल्दी जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें एलोवेरा चाहिए, फ्रेश एलोवेरा लेंगे, जो कि अभी पेड़ से तोड़ करके जो आता है ना उसको फ्रेश ही लेना है आपको। आप चाहें तो जेल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और इसके साथ हमें गुलाब जल लेना है, विटामिन ई की कैप्सूल और थोड़ा सा अदरक लेंगे। एलोवेरा जेल का इस तरीके से हम, अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल लेते हैं वो ज़्यादा वर्क करता है आपके बालों के लिए भी और फेस के लिए भी। मार्केट वाले में जैसे कि आपको पता है कुछ ना कुछ मिक्स रहता ही है, इसलिए यहाँ पे मैं फ्रेश ले रही हूँ। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका पूरा जेल निकाल लेंगे और फिर अच्छी तरीके से ये आप देख रहे हैं मैंने बीच में इसे कट करके निकाला है। आप चाहे तो इसको स्पून की मदद से भी निकाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही कर दिया है। स्पून की मदद से निकालने में ये इजी निकल भी जाता है, ऐसे ये पूरा लस लस ऐसा हो जाता है, इधर उधर पूरा फैलता है। आप जैसे कि जानते हैं एलोवेरा में बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो हमारे हेयर और स्किन दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। हेयर में अगर हम इसे लगाते हैं तो ये हमारे बालों को सिल्की शाइनी सॉफ्ट बनाता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है और ये हमारे बालों के जो झड़ने की प्रॉब्लम रहती है उनको भी रोकता है। एक एलोवेरा ही, अगर आप चाहें तो खाली एलोवेरा को ही अपने बालों में या इस फेस पे अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट पा सकते हैं। ये आपके बालों का झड़ना तो रोकेगा ही, साथ ही आपके बालों को लंबा भी करता है, लंबा भी करेगा, काला घना भी करता है। अब इसमें हम अदरक भी काट के डाल देंगे और इसमें आप थोड़ा पानी ऐड कर ले करना पड़ेगा इसमें, इसको मिक्सी पीसने के लिए। पीसने के बाद आप देख सकते हैं ये पीस करके आ गया, ये इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब इसको हम छान लेंगे किसी भी छन्नी की मदद से या आप किसी कपड़े की मदद से इसको छान सकते हैं, इसका जो भी एक्स्ट्रा पल्प होगा वो निकल जाएगा। को हम पूरे तरीके से निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे क्योंकि इसमें हमारा बहुत सी चीज़ें बहुत ही वो है, ये हमारे लिए सोने के समान है। अब इसमें हम गुलाब जल ऐड करेंगे, गुलाब जल आप 4-5 चम्मच ऐड कर सकते हैं या आप जितना क्वांटिटी बना रहे हैं उस हिसाब से आप अपना गुलाब जल ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच
5 चम्मच गुलाब जल ऐड किया है और इसमें 2 विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करूंगी। विटामिन ई की कैप्सूल आप जैसे कि जानते हैं ये हमारे हेयर ग्रोथ को, हेयर लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही ये हमारे फेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी लड़ता है, जैसे एंटी एजिंग आ रही है या डार्क सर्कल्स हो गए या फिर पिंपल्स, दाग धब्बे जो भी हैं आपके फेस पे सबसे दूर करेगा। साथ ही अभी विंटर सीजन चल रहा है, विंटर में ये चीज़ें हमारे बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए भी, साथ ही हमारे स्किन के लिए भी। ये हमें धूप की टैनिंग से बचाता है, साथ ही ये हमारे बालों के सनस्क्रीन की तरह काम करेगा, सन बर्न बालों को भी हमारे सनस्क्रीन की तरह काम करता है, बालों की हमारी सारी धूप से बचाता है। अब इसको हम अपने स्प्रे बोतल में डाल लेंगे, किसी भी आप स्प्रे बोतल में डाल सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप बना करके 1 मंथ तक रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको डेली बनाना है, ऐसा नहीं है, आप इसको रूम टेम्परेचर के में रख सकते हैं 1 मंथ तक, ये ईजिली चल जाता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी आप, अगर आप हेयर वॉश करने से पहले इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप 1 घंटा पहले इसको अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद आप शैम्पू कर लें तो ये आपके बालों में एक तरीके से हेयर मास्क का काम करेगा। अगर आप इसको हेयर वॉश के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके बालों में हेयर सीरम का काम करेगा, साथ ही ये हमारे बालों को धूप की किरणों से बचाएगा, धूल मट्टी पोल्यूशन से बचाएगा। जो भी अभी इस टाइम पे विंटर सीजन में हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बालों को ओपन ही रखते हैं, गर्मियों में होता है कि हम लोग बालों को बांध लेते हैं मगर सर्दियों में हम लोग नहीं बांधते हैं, खोल कर ही रखते हैं। तो इसको इस तरीके से स्प्रे करके आप अपनी जड़ों में ज़रूर इसको अप्लाई करें क्योंकि हमारी जड़ें इस टाइम पे कमज़ोर होने लगती हैं, इसलिए इसको हम अपनी जड़ों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हेयर वॉश के बाद इसको अप्लाई कर रहे हैं तो इसको पूरे लेंथ पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद अच्छी तरीके से कोम कर लीजिए, आपके बालों में एक तरीके से हेयर सीरम का काम करेगा, आपके बालों के पूरे टेंगल को रिमूव कर देगा। और साथ ही ये आपके बालों की डैमेज बालों को भी रिपेयर करने का काम करेगा। अगर आपके बाल कहीं से भी डैमेज हो रहे हैं, ब्रेकेज हो गए हैं बालों में, या 2 मुंहे बाल हो रहे हैं, भूरे भूरे से बाल हो गए, उड़े उड़े से रहते हैं, या फिर सर्दियों में जैसे बाल इधर उधर चिपकने लगते हैं, ज़्यादातर फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये उन सब चीज़ों से हेल्प करता है, ये आपके बालों की फ्रिजीनेस को रोकेगा। साथ ही ये आपके बालों की एक तरीके से प्रोटेक्टर है, ये हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए। इसको हम इस स्प्रे को हम अपने स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप फेस वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके फेस के सारे प्रॉब्लम्स से दूर लड़ता है। साथ ही आपके फेस में जो भी एंटी एजिंग या फिर अभी धूप में बैठने से टैनिंग आने लगेगी फेस पे, उन सब चीज़ों से ये आपके बचाएगा। तो अब इसको फेस पे हम अच्छी तरीके से जैसे फेस वॉश अपने फेस पे अपना फेस वॉश कर लीजिए अच्छी तरीके से, और इसको ओवरनाइट में भी आप लगा सकते हैं, ये नाइट क्रीम की तरह एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप। इसको इस तरीके से लगाने के बाद, स्प्रे करने के बाद 2 मिनट तक आपको इसको मसाज देना है, इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज देना है। ये मैंने स्पीड मोड में डाल रखा है इसलिए आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट की, या 10 मिनट में ये अपने आप ही सूख जाता है, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी स्किन के अंदर जो पानी की कमी है उनको भी रिपेयर करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत